दोस्तों कैसे हो सब। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई है, तो उसका जो बड़ी लंबी वीडियो बनाने का तरीका है, मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वीडियो भी लंबी होगी और सिर्फ 45 MB की होगी, 6 घंटे की वीडियो होगी, ताकि आपको अपलोड करना आसान रहे। तो दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों की अगर विंडोज 7 है तो यहाँ पर जाएँ और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा स्निपिंग टूल, एक कैंची भी साथ बनी होगी और स्निपिंग टूल का ऑप्शन होगा, तो उसे सेलेक्ट करें। और आगे जो मेरी विंडो है, मेरी विंडो में तो ऐसा सिस्टम है। बाकी जो ये सिस्टम आ गया, ये भी सेम होता है, आप लोगों के पास इस तरह का कर्सर आ जाता है। तो करना क्या है कि सिर्फ इतना तक आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, इतना तक कर लें आप लोगों के लिए परफेक्ट है। इतना करेंगे ताकि ये इससे आप लोगों की वीडियो कम बनेगी, वीडियो बेशक बिल्कुल गंदी हो, लोग दोस्तों आप लोगों को वीडियो से कुछ लेना देना नहीं, बस वीडियो बनानी है। और इसको जो है, ये जो मैं तस्वीर जो मैंने बनाई है स्नैप, इसको आप लोगों ने ना जो है सेव कर लेना है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। तो सेव करने के बाद जो मैंने ये अभी बनाई है वो ये देखें, ये आ गई है। तो आप लोगों ने करना क्या, सिंपली आप लोगों के पास जो भी वीडियो एडिटर पड़ा है, मेरे पास तो ये फिल्मोरा पड़ा है, वंडरशेयर फिल्मोरा 9 न्यू लेटेस्ट डाउनलोड कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसी से ही मेरी 45 MB की बनी है। कोई और होगा तो फिर वो बड़ी बन सकती है। तो करना क्या है, आप लोगों ने बस इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट कर लें, इसमें बल्कि ना मैंने कीज़ डाली हुई है फ्रेंड्स, नेट ऑफ कर दूँ तो बेहतर है, क्योंकि वो कीज़ जो हैं वो करप्ट हो सकती हैं। सकती हैं इसलिए मैंने नेट ऑफ किया है, क्योंकि नेट पर अगर इसको मैं ऑन करूँगा तो वो जो मैंने कीज़ दी हुई थी वो करप्ट हो जाएंगी और मुझे फिर दोबारा देनी पड़ेंगी। तो ये अभी लोडिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम जब विंडो कंप्यूटर को ऑन करते हैं, फर्स्ट टाइम जब ऑन करते हैं तो बहुत देर लगाता है ये ऑन होने में। क्या मसला है, अजीब है यार। अच्छा वो नीचे वीडियो भी कन्वर्ट हो रही है ना पहले वाली। तो दोस्तों आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और इम्पोर्ट मीडिया फाइल है यहाँ पर क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद वो जो आप लोगों ने स्नैप लिया है, मतलब ये जो मैंने लिया है CFDF, इसको ओपन करें। और सिंपली करना क्या है कि ओपन करने के बाद इसको आप लोग सिलेक्ट करें, नीचे टाइमलाइन में लेकर आए मतलब के, और यहाँ से खींच कर बड़ा कर दें, मतलब कि आप लोग कर दें 6 घंटे तक की। मैं इसको खींच के बड़ा ही खा रहा हूँ, और ये आप लोगों को इस तरह करते करते जाना तो बहुत टाइम लग सकता है, लहजा थोड़ा सा बढ़ाकर आप लोगों ने यहाँ पर इसको थोड़ा साइज मतलब कि जो रिव्यू है इसका वो कम कर लें, ताकि आप इतना तक खींचेंगे भी तो काफ़ी बढ़ जाएगी। आप देखें यहाँ पर ये अब हो गए 2 घंटे 48 मिनट की, और फिर यहाँ पर और मज़ीद छोटा करोगे तो ये फिर छोटी पट्टी हो जाएगी, ताकि इसको और बढ़ा सकें। तो ये देखें फ्रेंड्स 5 घंटे और 30 मिनट की हो गई है ये, तो मतलब कि ये 5 घंटे और 57 मिनट की हो गई है, 5 घंटे और 57 मिनट की, मतलब ये देखें दोस्तों, सॉरी ये तो अभी 9 मिनट की हुई है। चलो मज़ीद आप इसको बड़ा करते जाएँ, जितना बड़ा करोगे उस आपका ही फ़ायदा होगा, ये 9 घंटे की बन गई। नहीं यार 9 मिनट की ही है, इसको मैं मज़ीद और बड़ा करता हूँ। अच्छा, दोस्तों मैं ऊपर वाले देख रहा था। घंटा 29 मिनट, और इसको और बड़ा करूं मैं, ठीक है इसको मैं और बड़ा करता हूँ, इसको छोटा कर लूँ, और इसको मैं लेकर आऊँ 3 घंटे 15 मिनट, अभी भी ये 3
सफ़र 5 घंटे की होगी और यहाँ पर 5 घंटे और 58 मिनट की होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वीडियो 5 घंटे 58 मिनट 49 सेकंड और ये जो सेकंड की भी एक जो इनकी लिस्ट चलती है वो है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर ये 6 घंटे की वीडियो बनानी है इस तरह, और आगे जो इसके 45 MB में बनाना चाहते हैं जो मतलब कि आपको इजी हो। दोस्तों ये बिल्कुल गंदी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, बस गंदी से गंदी बनानी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक्सपर्ट पर क्लिक करना है, इसमें कोई वॉइस ऐड नहीं करनी, कोई कुछ ऐड नहीं करना, बस गंदी सी तस्वीर लगा के वीडियो बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट पर क्लिक करने के बाद करना है कि आप लोगों ने सेटिंग पे जाना। अगर आप ऐसे एक्सपर्ट करेंगे तो दोस्तों ये देखें बहुत बड़ी है, ये तो 21 GB की वीडियो बन गई है, 21 GB की। लेकिन आप लोगों ने सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद सॉरी आप लोगों ने पहले यहाँ पर देखें 3 GB पर क्लिक करना है। आपने 3 GB पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो है ये 128x96 ये कर देना है, और ये जो है FPS ये 12 कर देना है। जितना भी कम होता है, जो जो भी चीज़ जितनी कम होती है उतनी कर देनी है, जितनी कम होती है उतनी ही कर देनी है। मतलब कि ये देखें मैंने अभी किया है, तो ये वीडियो मेरे पास दोस्तों इधर आ गया 328 MB की। लेकिन जब कन्वर्ट हो जाती है कम्प्लीटली, जब आप लोगों के पास ये फाइल डेस्कटॉप पर आ जाती है जहाँ पर आप कर रहे हैं एक्सपर्ट, तो वहाँ पर इसका ये साइज़ देखोगे तो वो साइज़ होगा 45 MB। ये मैं एक्सपर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, दोस्तों ये एक्सपर्ट हो रहा है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है, कुछ टाइम के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, तो जैसे ये नज़दीक ही पहुँचेगा मैं वीडियो को फिर इसको वीडियो को जो है रिज्यूम कर लूँगा, और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये किस तरह कितनी बड़ी वीडियो कितनी मतलब कि ना कितने MB की होगी। और इसके बाद एक और जो स्टेप है चैनल को वेरीफाई करना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक दफ़ा इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है, तो मैं अब आप लोगों को दिखा दूँ कि ये वीडियो एक्सपर्ट होकर कहाँ, ये मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक नहीं किया था, याद भूल गया था। तो आउटपुट तो दोस्तों ये देखें, ये वो वीडियो आ गई है, वही वीडियो है जो मैंने आप लोगों को बनाई बनाकर दिखाई थी। ये देखें वही वॉलपेपर है, वही चीज़ है। ठीक है, ये वीडियो जब बन जाएगी तो दोस्तों आप वहाँ पर तो 328 MB शो हो रहा था, तो यहाँ पर देखें दोस्तों 45 MB शो हो रहा है, मतलब कि 45 MB की ये वीडियो बनी ही है और इसकी ड्यूरेशन भी उतनी ही है। तो ठीक है, ये वीडियो बनाने के बाद अगर आप लोग इसको चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसके लिए आप लोगों के लिए छोटा मसला ये है कि आप लोगों ने चैनल को वेरीफाई करना है। तो दोस्तों चैनल को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने चैनल वेरीफाई कैसे करना है, तो वो भी बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। आप लोगों ने अपना वही ब्राउज़र ओपन करना है और अपनी अपनी जो यूट्यूब है चैनल उसको ओपन करना है। तो मैं अभी आपको लोगों को दिखाता हूँ, ये नीचे ही आ गया, ठीक हो गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि चैनल को वेरीफाई कैसे करना है। दोस्तों चैनल को वेरीफाई करने के लिए आप लोगों ने इधर जाना है, माई चैनल पर क्लिक करना है और क्रिएट स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। क्रिएट स्टूडियो, सॉरी क्रिएटर स्टूडियो, हाँ क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है चैनल पर। दोस्तों ये देखें, यही वही वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी, 6 व्यूज़ हो गया इसका, लेकिन ये और बढ़ता जाएगा। लेकिन आप लोगों ने चैनल पर क्लिक करना है, ये इसको 2 दिन लगेंगे पूरी होने में, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि नहीं आया, तो जल्दी से आप लोगों ने इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन होगा ब्लू कलर में, तो आप लोगों ने, मैंने तो वेरीफाई किया हुआ है इसलिए मेरी वीडियो अपलोड हुई है, नहीं तो ये वीडियो अपलोड नहीं करने देते इतनी बड़ी। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अपना नंबर दें और वेरीफाई करें ताकि वो कोड जो आएगा, वो कोड देने के बाद आपका चैनल वेरीफाइड हो जाएगा। तो जो कोड आप लोगों के नंबर पर आएगा वही कोड यहाँ पर देना है, तो ठीक है आप लोगों का चैनल भी वेरीफाइड हो जाएगा, तब जा आप लोगों ने वही वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अपलोड कर आप जो बाकी जो मैंने पीछे बताया आप लोगों को, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को फॉलो करें। आप लोगों का वॉच टाइम इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को वॉच टाइम मिल जाएगा, तो 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को वॉच टाइम मिल जाएगा, और वॉच टाइम ना मिले इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पहले से नहीं किया हुआ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शुक्रिया।